तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अब देखो ये जो लॉजिक है वो सुनने से ही कि इन्वेस्टिगेशन कौन करा रहा है, आपके दिमाग में कई बातें आ जाती हैं। तो वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है कि सपोज पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई नया पार्टनर आ रहा है ना, वो भी ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वो आ जाएगा, वो कैपिटल का अमाउंट भी दे देगा और गुडविल का अमाउंट भी दे देगा, वो भी क्या करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा। तो सबसे पहले देखो इन्वेस्टिगेटर क्या चेक करेगा कि उसको एंटर क्यों करवाया जा रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से नया पार्टनर को परमिशन दी जा रही है कि वो एंटर कर सकता है। क्या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, क्या कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, क्या उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए जिसके लिए नए पार्टनर को इनवाइट किया जा रहा है ना। तो इन्वेस्टिगेटर ये सारी बातें चेक करेगा और इसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन को तो वो चेक करेगा ही कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ना। और इसी तरीके से कंपैरेटिव स्टडी तैयार करेगा डिफरेंट ईयर्स की कि अगले सालों में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उनकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, है ना। वैल्यूएशन चेक करेगा जैसे बायर में था उसी तरह से। और इन्वेस्टिगेटर ये भी देखेगा कि एडिशनल कैपिटल जो लाई जाएगी उसको किस तरह से वो यूज़ करेंगे, है ना। अगर ये जो कैपिटल है वो यूज़ करते हैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल में या फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, तो इसके बारे में भी वो बताएगा। तो इससे जो है वो उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें चेक करेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि चेक किए जाएंगे। देखिए इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये भी चेक करेगा कि बिजनेस की सेल कितनी है, बिजनेस के एक्सपेंडिचर कितने हैं, ग्रोस प्रॉफिट कितने हैं, मतलब पी एंड एल अकाउंट को वो चेक करेगा कि पिछले सालों का जो उनका पी एंड एल अकाउंट है वो क्या शो करता है, तो अब क्या ट्रेंड रहेगा मतलब बिजनेस का। और इसी तरह से व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा न्यू पार्टनर के आने के बाद, उसका शेयर कितना रहेगा, जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली जाती है, तो वो कितना रहेगा। और अगर कोई अमाउंट नया पार्टनर पे कर रहा है मतलब गुडविल के बदले में, तो क्या कंपनी के पास उतनी की गुडविल है भी या नहीं, है ना, तो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और इसी तरह से वो जो पार्टनरशिप डीड है उसको भी स्टडी करेगा कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसको चेक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन वो देगा पार्टनर को। और इसी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सारे पॉइंट्स जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसको बताएगा, एक रिपोर्ट सबमिट करेगा अपने क्लाइंट को, है ना, जिसने नया पार्टनर है, जिसने एडमिट जो एडमिशन लेना है पार्टनरशिप फॉर्म में, कि उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये था हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव कि ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर, कि पार्टनर आना चाहता है तो उसको ये बातें ध्यान